बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और मेरी YouTube फैमिली, कैसी है दोस्तों? आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। आज है संडे नाश्ता, आज फिर हम बनाएंगे, ये मेरी थर्ड जो है ना लस्सी बनने वाली है, दही की लस्सी, बहुत ही कमाल की, बाजार की तरह, ठीक है, और बहुत ही टेस्टी। होममेड में बनाऊँगा बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैंने रेडी कर ली। उससे पहले जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। इससे ही होता है जब भी कोई वीडियो आने वाली होती है सबसे पहले आप दोस्तों को मिलेगा। ये या से क्या करें, या एक आप दोस्तों का प्यार होता है, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया वो कर लें, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। जी दोस्तों, ये देखें, ये 1 kg मैंने दही ली थी, गाढ़ी अच्छी वाली बेहतरीन, ये मैं कहता हूँ बहुत ही कमाल की 1 kg दही है। इसके साथ साथ जो हमें चाहिए ये चीनी है, ये देखें ये चीनी है, ये मैंने तकरीबन 8 से 10 चम्मच ले लिए हैं अपने जायके के मुताबिक। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने 1 kg में ये तकरीबन 8 से 10 खाने के चम्मच चीनी के, ठीक है। इसके साथ मैंने मिल्क पैक लिया है, आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो अवेलेबल है दूध अच्छा वाला वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने दूध लिया है, ठीक है, ये मैंने 1 गिलास पानी का डाल लिया है, ये लाजमन आपने डालना है 1 kg में 1 गिलास पानी का, ठीक है। तो चलते हैं, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, ये जो 1 kg दही है, ठीक है, ये निकाल लेंगे। आज मैं आपको इसका जो होगा ना ऊपर से जो मक्खन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। ये देखें दोस्तों, बर्तन को अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, बर्तन को अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये देखें, ये जो ये चीनी थी, ठीक है, ये डालेंगे। चीनी के मैंने 1 kg में 8 से 10 चम्मच लिए हैं, ठीक है। और ये देखें, ये मिल्क पैक दूध है पाव का, ठीक है, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अच्छे तरीके से इसको जो है ना जूसर में हम ग्राइंड करें। ये देखें दोस्तों, ऊपर से बंद करेंगे, ठीक है। तो इसको कम से कम हमने 5 मिनट जो है ना 5 मिनट अच्छे तरीके से इसको लस्सी को तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से जूसर में करेंगे, ठीक है, लस्सी को तैयार करेंगे। दोस्तों लस्सी तैयार करने का बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ये लाहौरियों वाली लस्सी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को बहुत पसंद आएगी। आपने मेरे तरीके से ये संडे का नाश्ता जो होगा ना लस्सी का, आपने ज़रूर बनाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही टेस्ट आने वाला है। इसका मक्खन भी तैयार होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हम इसको मक्खन को ऊपर से निकालेंगे। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारी लस्सी तैयार हो रही है। अभी हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए और ऐसे बनाएंगे, ठीक है। जी दोस्तों, लस्सी अब हमारी बेहतरीन तरीके से तैयार है। ये देखिए, मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी लस्सी जो है ना तैयार है। ये देखिए, ये मैं आपको मक्खन का तरीका बताता हूँ। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला मक्खन होता है ना, ये देखिए, अगर आप उतार के ये देखें निकालने खाने के लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल का ये मक्खन होता है, ये आप मानेंगे नहीं। देखें दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त। तो अब ये देखें दोस्तों, ये मैंने कुलचे भी लिए थे, ठीक है। ये देखें, ये मैंने 7 लस्सी कुलचे का टेस्ट, तो आपको पता है बहुत ही कमाल का हमारा नाश्ता आज का स्पेशल बना। तो ये देखें, इसमें आइस डालेंगे,
लस्सी हमारी जबरदस्त तरीके से तैयार है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब इसमें आइस डालेंगे ग्लासों में। ये मैंने जो ग्लास लिए हैं पहले इसमें भी डाल देंगे थोड़ी सी, ग्लासों में भी आइस डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रखानी। यकीन दोस्तों आज की रेसिपी आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी दोस्तों इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई करें, ठीक है। एक दफ़ा आपने ज़रूर मेरे तरीके से बनानी है और मुझे आपने फीडबैक देना है और बताना है कि आज की रेसिपी आप दोस्तों को कैसे लगी। बहुत आसान है, संडे का नाश्ता भी स्पेशल। ये देखा जी दोस्तों, हमारी लस्सी जो है बेहतरीन तरीके से तैयार है। अब इसको ग्लासों में सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी लस्सी बनकर तैयार है। लस्सी आप बनाएं घर में तो बहुत ही टेस्टी बनती है मेरे तरीके से। जी दोस्तों, ज़बरदस्त मैं कहता हूँ बेहतरीन लस्सी जो है ना लाहौरियों वाली, ये देखिए बनकर तैयार है। यकीनन आज आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को आज की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी लस्सी और कुलचा पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने फैमिली कारों में, ठीक है। तो आज की रेसिपी आपने खूब इंजॉय करनी है मेरे तरीके से बनाएं संडे का नाश्ता, ठीक है। तो बहुत टेस्ट, बहुत ही कमाल आने वाला है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी होगी बहुत ही ख़ास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं लेकर अपने दोस्तों के लिए हाजिर हूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी ख़ास रेसिपी में। आज की रेसिपी लस्सी कुलचा कैसा लगा है आपको, आपने बेहतरीन तरीके से इसी तरीके से आपने बनाना है। जी दोस्तों, लस्सी कुलचा बेहतरीन तरीके से तैयार है। जल्दी करें मेरे तरीके से आप ये लस्सी कुलचा बनाएँ, इंजॉय करें आज का नाश्ता। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर याद रखें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर करना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।